वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन अगेन। भाई बहुत सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस कम हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट चौथी बार है जब प्राइस कट लग रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ऑलमोस्ट 15 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिनका रिसेंट टाइम में एक दो दिन पहले ही प्राइस कट लगे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो अब सुपर वैल्यू फॉर मनी है बॉक्स पे कैटेगरी में। इस वीडियो के लास्ट में जो आपको मैं स्मार्टफोन बताने वाला हूं ना, एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया और वो सुपर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं ना मिड रेंज में टोटल फ्लैगशिप फीचर वाला, तो वो आपने लाजमी चेकआउट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे चैनल के ऊपर एक गिववे चल रहा है, एक स्मार्टफोन और काफी ज्यादा आईओटी प्रोडक्ट हम गिववे करने वाले हैं जब हम 100K सब्सक्राइबर हिट करेंगे। अभी तकरीबन 14,000 रह गए हैं, तो भाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की और डिफरेंट टाइप की टेक वीडियोज, अनबॉक्सिंग रिव्यू, गेमिंग रिव्यू वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और पार्टिसिपेट कर लें। यहाँ पर जिन जिन स्मार्टफोन की प्राइस कम हुई है ना, वो बताने से पहले आप लोगों के लिए गिव अवे अपडेट। हमने कल एक वीडियो अपलोड की है अंडर 3500 रुपीज ENC ईयरबड्स की। इस वीडियो के ऊपर जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए ना, हम इसका गिव अवे कर देंगे। तो जल्दी से जाएं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें और पार्टिसिपेट कर लें गिव अवे में। गाइस यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो की। काफी टाइम बाद ओप्पो ने भी अपने किसी स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस कट लगाया है। यहां पर ओप्पो का एक ही स्मार्टफोन रिसेंट टाइम में लॉन्च हुआ था, ओप्पो 7, जो कि ऑलमोस्ट 55-60 हजार के प्राइस टैग में ओप्पो ने लॉन्च किया था। पता नहीं क्या सोच के लॉन्च किया था 464 वाला वेरिएंट, लेकिन इसके ऊपर भाई अभी प्राइस कट लगा है। पहले 5000 का प्राइस कट ऑफलाइन ही लग गया था, लेकिन उसके बाद 13000 रुपए का प्राइस कट इसके ऊपर लगा है। यस, ये पहले 50000 का था, अब 37000 का हो गया, 464 वाला। लेकिन भाई 13000 का प्राइस कट लगने के बाद बिना कोई सेंस नहीं बना रहा इस प्राइस टैग में। तो प्राइस कट लगा तो है, लेकिन भाई इसके ऊपर ऑलमोस्ट 25-1000 का या 30000 का प्राइस कट लगे तो फिर ये कोई सेंस बनाता है। अगला नंबर है भाई रियलमी का, ओप्पो के छोटे भाई का, और यहाँ पर इन्होंने रियलमी C33 को ना 50000 के प्राइस टैग में लॉन्च किया था। और इसके ऊपर पहले एक प्राइस कट लगा, दो प्राइस कट लगे, तीन प्राइस कट लगे, ये होता होता 45-40-35000 का हो गया। अभी इसके ऊपर 5000 का अगेन प्राइस कट लग गया, अब ये हो गया भाई 30000 का, और आपको मार्केट में इजीली ये 27-28 हजार के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगा। लाइक अब सोचें कि कुछ लोगों ने ये स्मार्टफोन आज से 2-3 महीने पहले 50000-55000 का बाय किया है, और अब ये स्मार्टफोन सेम डिब्बा बैग मार्केट में 27-28 का बिक रहा है। अगला नंबर आता है भाई यहाँ पर स्पार्क्स वालों की तरफ से, और स्पार्क्स वालों ने अपना स्पार्क्स न्यू 7 अल्ट्रा, जो कि इनका मार्केट में आज से कुछ महीने पहले 40-45 हजार के प्राइस टैग में बिक रहा था, इसके ऊपर चौथी बारी प्राइस कट लगा दिया है। पहले 40 का था, फिर 37 का हुआ, फिर 35 का हुआ, फिर 33 का हुआ, अभी ये ऑलमोस्ट 31,500 का हो गया, और अभी मार्केट में आपको इजीली अंडर 30,000 के मिल जाएगा। बॉक्स पैक की बात कर रहा हूँ, तो ये 40 से होता हुआ चौथे प्राइस कट के बाद मार्केट में आपको अंडर 40,000 देखने को मिल जाएगा 6128 वाला जो वेरियंट है। और ये अच्छा डिज़ाइन है इसका, और यहाँ पर आप मेरी डिटेल रिव्यू वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये स्मार्टफोन किस टाइप ऑफ यूजर के लिए है, किसने लेना है किसने नहीं लेना, वो जाके आप वीडियो लास्ट में देखिएगा। अगला नंबर है यहाँ पर भाई रेडमी का, और रेडमी 12C के ऊपर ऑलमोस्ट 3 बारी तो प्राइस कट आगे लग चुका है। 45,000 का आज से 3 महीने पहले ये स्मार्टफोन बिक रहा था, ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले ना, फिर ये 40 का हुआ, फिर ये 35 का हुआ, फिर 33 का हुआ, फिर 31 का हुआ, और अगेन इसके ऊपर 3,000 का ऑफिशियल प्राइस कट लग गया, और अभी ये 28,000 का हो गया, और मार्केट में आपको इजीली 4128 वाला 25-26 हजार का देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है 25,000 की प्राइस कैटेगरी में, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, या ओवरऑल गेमिंग कुछ करनी है, आपने बॉक्स पैक लेना है, तो ये Redmi 12C आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा Airtel ने भी अपने दो स्मार्टफोन की प्राइसेस को कम किया है। पहला तो P40 है, 4064 वाला और 4128 वाला, दोनों की प्राइसेस के ऊपर 2-2 हजार का प्राइस कट लगा है। 28 से 26 हो गई और 26 से 24 हो गई है, लेकिन नॉट वर्थ इट है, इससे अच्छा Redmi 12C आप ले सकते हैं। उसके अलावा डी कोड के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स के ऊपर प्राइस कट लगा है। डी कोड का सिग्नल 3, सिग्नल 3 प्रो, सिग्नल 3 लाइट, किसी के ऊपर 1500, किसी के ऊपर 2000, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी डी कोड के ऊपर 25-30 हजार स्पेंड करें, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोन्स इनके यूज़ किए हैं अपने स्टूडियो में, नॉट वर्थ इट है। अभी बहुत ज़रूरत है डी कोड को अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने की, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करने की, और उसके अलावा इनका हार्डवेयर भी कुछ अच्छा नहीं है। और लास्ट में जो स्मार्टफोन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप में से किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सैमसंग A54 की, जो कि आज से एक महीना पहले 1,60,000-1,70,000 के प्राइस टैग में मार्केट में बिकता रहा, लेकिन इसके ऊपर आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके ऊपर प्राइस कट लगा था, 1,45,000 के आसपास आ गया था, मार्केट में 1,40,000-1,35,000 के आसपास बिक रहा था,
लेकिन अगर अभी आप देखेंगे दराज के ऊपर ये 1,20,000 1,23,000 के ऊपर सेल हो रहा है, तो भाई काफ़ी लोगों के लिए ये A54 1,20,000 के प्राइस टैग में ना बहुत सुपर ऑप्शन बन सकता है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है वो स्मार्टफोन जो कि रिसेंट टाइम में प्राइस कट के साथ आए हैं। कुछ और स्मार्टफोन थे जिसके ऊपर 500,000 का प्राइस कट लगा, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन भाई जितने प्राइस कट लग रहे हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज से 2-3 महीने पहले सारे स्मार्टफोन अपनी हाफ प्राइस के ऊपर आ जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। और हाँ, आपसे ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, जिस तरह व्हाट्सएप चैनल्स आजकल फीचर है, एक व्हाट्सएप चैनल बनाएं, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, IoT प्रोडक्ट होती हैं, स्मार्ट वॉचेस, एयरबड्स वगैरह, स्मार्टफोन, इस तरह की ना बहुत प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम वीडियो के बाद सेल कर देते हैं, हम लो प्राइस में मार्केट में भी तो सेल करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप लोगों को ही सेल कर दिए जाएँ। तो आप इसके बारे में क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप चाहते हो कि हम अपना एक व्हाट्सएप चैनल बना लें जिसमें मैं आपको अपडेट करता रहूं कि भाई कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस प्राइस टैग में मेरे पास अवेलेबल है, तो वो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता दो, हम क्रिएट कर लेंगे। बाकी आप किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं जिसके ऊपर प्राइस गाइड लगना चाहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।